चलो आज बात करते हैं हम खेती के बारे में, ठीक है। क्या होती है खेती, कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था कि खेती में हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं इस्तेमाल करना है। हम खेती में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, यूरिया, है ना। हम खाद और उर्वरक का अंतर पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कार्बनिक खेती की जाएगी, ठीक है। अब देख रहे हैं लगभग दुनिया के सभी देश कार्बनिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उर्वरकों का इस्तेमाल करने से जो हमारी भूमि है वो क्या होती जाती है, बंजर होती जाती है। तो हमें उसी भूमि को बचाना है। हम कैसे बचाएंगे, जब हम क्या करेंगे, कार्बनिक खेती। क्या होती है कार्बनिक खेती, तो वह खेती या इस प्रकार की खेती, जैसे आप खेती में क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, कीड़े लगने लगते हैं तो कीटनाशक डालते हैं, है ना, कई रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहाँ पे जाते हैं, मृदा में जाते हैं और क्या काम करते हैं, ह्यूमरस, है ना, यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति को ख़त्म करते हैं, समाप्त करने का काम करते हैं। लेकिन कार्बनिक खेती में इन्हीं सारी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब वह खेती जिसमें पीड़कनाशी, उर्वरक, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाए वो कहलाती है कार्बनिक खेती, या यूँ कहें आसान लहजे में, जिसमें हम खाद का इस्तेमाल करें, मतलब जैविक खाद का इस्तेमाल करें। जैविक खाद कैसे प्राप्त होती है, मैंने आपको बताया था कि जीव जंतुओं के अपशिष्ट या फिर पौधे के सड़ी हुई टहनियों के अपघटन के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैविक खाद बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि कार्बनिक खेती से प्रॉफिट क्या होगा, तो कार्बनिक खेती उसे फायदा क्या होता है कि जो हमारी मृदा होती है उसकी उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि जो फसल होती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा संपूर्ण पाई जाती है। यानी कि आप जानते हैं जो दलहनी पौधे होते हैं, मतलब जिनसे हम दाल प्राप्त करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें, मसूर की दाल, समझ रहे हैं, प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो मसूर की दाल। हालांकि आप दाल बोल देंगे तो भी गलत नहीं है, सबसे ज़्यादा दाल में, उसके बाद सोयाबीन में, ये सारी चीज़ें हम पढ़े। तो हमें क्या करना है कि भाई अगर ज़मीन के अंदर से यानी कि पौधे को जब पोषक तत्व मिलेंगे तभी तो वो प्रोटीन बनाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैविक खेती करना है, कार्बनिक खेती करना है, ठीक है। कार्बनिक खेती से मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अच्छे किस्म की फसल उगा सकते हैं, समझ रहे हैं, और ऐसा मतलब ऐसे तरीके का भोजन हम प्राप्त करेंगे जो पूरी तरह से संतुलित होगा, ठीक है। अब क्या किया जाता है, जो जिनके पास बड़े पैमाने पे खेत होते हैं वो केवल खेती ही तो करते हैं, उनको आपके स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। इसका क्या साइड इफेक्ट होने वाला है, जो इसको खाएगा उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जानते हैं जिब्रेलिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, अगर आप किसी पौधे के अंदर इनको प्रवेश करवाते हैं तो वो अगले ही दिन बड़ा हो जाएगा। लौकी वोकी जो देखते हैं ना, वो नॉर्मली ऐसे ही उगाई जाती है। ज़्यादातर जो लोग बड़े पैमाने पे जिनका ये बिजनेस होता है वो लोग यही काम करते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन को क्या करते हैं कि पौधे में इंटर करवा देते हैं, तो आज छोटा सा फूल लगेगा, अगले दिन बड़ी सी लौकी, क्योंकि वो जबरदस्ती क्या काम करती है, प्रेरित करने का काम करती है। जैसे मुर्गी वाला मैंने आपको पढ़ाया था, मुर्गी से अंडे नहीं निकाले जाते थे, कल मैंने आपको बताया था पारजीनी जंतु, तो उनके जीन में परिवर्तन था, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनसे जबरदस्ती मुर्गी को इंजेक्शन दे दे के हम क्या करते हैं, जबरदस्ती अंडे निकलवाते हैं। जब वो कमजोर हो जाती है शारीरिक रूप से, जब वो कमजोर हो जाती है तो उसे बेच दिया जाता है पोल्ट्री फार्म पे, समझ रहे हैं, तो वहां से भर के पिकअप में आती है तो भाई साहब काट काट के बेचते हैं। अब उसमें क्या पोषक तत्व है, जितने थे वो तो जबरदस्ती हमने निकलवा लिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अंडे में क्या पाया जाता है, तो अंडे में पाया जाता है लिग्निन, क्या पाया जाता है, लिग्निन, जो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। बात करते हैं सिंचाई की, कार्बनिक खेती मतलब समझ में आ गया। बात करते हैं सिंचाई होती क्या है। देखिए पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं भाई, कभी ना कभी तो उनको जल की आवश्यकता पड़ने ही वाली है, कभी ना कभी तो वो जल की आवश्यकता पड़ने वाली है। फिलहाल हम खेती की बात कर रहे हैं, तो पौधों को ना आवश्यक मात्रा में जल की पूर्ति करवाना, यानी कि जितना पौधे को चाहिए उतना जल को क्या करना, उसे प्रदान कर देना, क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। जल को आवश्यक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, है ना, पौधे को प्रचुर मात्रा में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्यों कहलाता है, कि क्योंकि बिना जल के किसी पौधे की वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो फल नहीं लगेगा, और फल नहीं लगेगा तो हम क्या खाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग सभी जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर है, पौधे पर।
सिंचाई क्या होती है? तो पौधों को जल देना ही प्रचुर मात्रा में। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी मात्रा में जल की ज़रूरत होती है। जब जैसे अभी आपने देखा होगा चना पहली बार बोया गया होगा, शायद किसी कोई ऐसा रहा होगा जिसको पानी देना पड़ा। सरसों एक बार दे देते हैं, शायद दोबारा देना पड़े, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे फसलें होती जैसे धान, है कि नहीं, बराबर पानी में डूबा रहे कोई दिक्कत नहीं है। आप गेहूं देखते हैं एक बार दो बार, बहुत मैक्सिमम तीन बार देते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको केवल पानी ही पानी चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पानी मतलब कभी कभार मिल जाए, ना मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। तो सिंचाई क्या होता है कि पौधों को प्रचुर मात्रा में मतलब जितनी उनको आवश्यकता हो उतना जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्यों सिंचाई की जाती है? ताकि पौधा वृद्धि और अपनी सारी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से कर सके और उसके वृद्धि या उसके जीवन में कोई समस्या ना हो, उसके विकास में कोई समस्या ना हो। बात करेंगे सिंचाई के स्रोत, हम कैसे कैसे सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई के कितने स्रोत अवेलेबल हैं, कितने स्रोत मौजूद हैं। पहला है कुआं। कुएं को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहला वो कुआं जो खोदा गया हो, दूसरा वह कुआं जो खोदा ना गया हो। पॉइंट समझना, आपके घर जो मशीन लगी हुई है, जो नलकूप लगा हुआ है, जो सरकारी नलकूप लगा हुआ है, वो भी कुएं की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? एक कुआं वह जो खोदा गया है उसके नीचे से पानी निकालते हैं, दूसरा कुआं वह जो खोदा नहीं गया लेकिन पानी फिर भी निकालते ही तो है, समझ रहे हैं, वो भी कुएं के ही कैटेगरी में आता है। एक खोदा हुआ कुआं, एक बिना खोदे हुआ कुआं जो है, उन दोनों से हम क्या निकालते हैं, पानी निकालते हैं और पौधे को क्या करते हैं, पानी देते हैं, पानी देते हैं, पानी देते हैं। पहले रेहट चलती थी, है ना, बैल से सिंचाई होती थी, अब कई विधियां हैं, है ना, कई स्रोत हैं, कई जगहों से। स्रोत का मतलब जो किसी चीज़ की क्या करे, उत्पत्ति करे, जो कोई चीज़ हमें प्रदान करे, वही तो है स्रोत, समझ रहे हैं बात को। तो नलकूप और कुएं ये क्या हैं, जल के स्रोत हैं। पहले इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब केवल मुझे लगता है कुएं तो शायद कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, वो कब मिलता है, जब पट्टी बांध के कुएं में गिरवाया जाता है दूल्हा से या दुल्हन से, है ना, वो दिया गिरवाई जाती है तब जाके कुआं याद आता है, उसके पहले तो कब वो नहीं है याद आता है। जिसके घर भी रहा होगा उसने उसको ढक दिया होगा, ढक दिया होगा, इतना बड़ा छेद किए होंगे दूल्हा गिराने के लिए, आओ भाई आँख बंद कर गिरा करके जाओ। कुआं ख़त्म नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, केवल शादियों में याद आते हैं कि अभी कुआं जाना है कि नहीं, उसके लिए अलग कपड़ा पहनना है, तब याद आता है। अगला पॉइंट है नहरें, ठीक है। नहरें क्या होती हैं? देखिए नहरें क्या है, नदी का ही एक रूपांतरण है। नहरें जो होती हैं वो बेटा कृत्रिम होती हैं, वो स्वयं नहीं बनती, नदियाँ स्वयं बनती हैं। नहरें क्या होती हैं? कृत्रिम, जो मानव के द्वारा खोद के बनाई जाती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई का कोई स्रोत नहीं होता, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूमि होती, तो सरकारें या वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो खुद पैसा जुटा के क्या करते हैं, नहर खुदवा देते हैं। मान लेते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर नदी है, तो वहाँ से नहर आती है और जितने लोगों का खेत से उसकी सिंचाई होगी वो लोग उसका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई फ्री हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, फ्री हो गई है। हम सिंचाई आप फ्री में कर सकते हैं नहर से, अब इन फ्यूचर मुझे लगता है जो सरकारी ट्यूबवेल वगैरह होंगे उनसे भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। आप मोटर अगर लगाते हैं और अगर खेती का काम करते हैं उससे, तो वो भी फ्री हो जाएगा इन फ्यूचर, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिलहाल बात क्या करते हैं, नहरें क्या होती हैं? तो जब 2-4-10 किलोमीटर दूर नदियाँ होती हैं, वहाँ से क्या किया जाता है, मानव द्वारा खुदाई करके नहरें बनाई जाती हैं और उससे क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। भारत में अधिकांश सिंचाई जो है वो कहाँ पे होती है, नहरों से होती है। किससे होती है? नहरों से। लेकिन भारत का अधिकांश, आधे से ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो, या आधे से ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो वर्षा पर डिपेंड होती है, समझ रहे हैं, वर्षा पे डिपेंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि भारत में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी का अभाव है, हम पानी की वैल्यू नहीं जानते, समझ रहे हैं। लेकिन राजस्थान वगैरह वाले, उनसे पानी की कीमत पूछो, 4 लोटा में तो हम पैर धोते हैं, हाँ 4 लोटा में हम पैर धोते हैं, 16 बार मुँह पे मारेंगे फिर भी दिखेंगे वैसे के वैसे, कोई असर नहीं होने वाला, है ना। बात समझते हैं बेटा हम, क्या कि क्या होता है, भारत में जो सिंचाई होती है वो अधिकांश वर्षा पे, जो कृषि है वो अधिकांश किस पे डिपेंडेंट है, वर्षा वाले, वर्षा मतलब वर्षा, वर्षा वाले पानी पे, मतलब जितनी सिंचाइयाँ होती हैं वो बरसात वाले पे होती हैं, कि भाई बारिश होगी तो खेती हो जाएगी वरना खत्म। उसके बाद अगर उसके बाद किसी पे डिपेंड है तो वो है नहर,
ठीक है। अब मान लेते हैं भाई कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नहर भी उपलब्ध नहीं है, हम लोगों का एरिया जो है जहां पे नहर भी उपलब्ध नहीं है, वहां पे कौन सी विधि होती है? वहां पे होती है नदी जल उठाव प्रणाली। नदी जल उठाव प्रणाली मतलब नदी के पानी को हम क्या करेंगे, उठा के अपने खेत में लेके जाएंगे। अब बात करेंगे कैसे लेके जाएंगे, है ना। तो आप जानते हैं दमकल वगैरह, जिसको हम दमकला बोलते हैं गांव में, है ना। हम क्या करते हैं, उसे नदी के किनारे लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, अपने खेत में पानी को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो इस प्रकार की विधि को बोला जाता है नदी जल उठाव प्रणाली। ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे नहर अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कुएं नहीं हैं, है ना, नदी जा रही है, वहाँ से नदी के पानी को उठाया जाता है और क्या कर दिया जाता है, खेत में सिंचाई कर दी जाती है। तो हो गई सिंचाई। अगला टॉपिक तालाब। तालाब क्या है? मानव निर्मित। तालाब क्या है? बीच में जब वो मनरेगा चालू हुआ था, शुरू का जब दौर था मनरेगा का, तो हर गांव में तालाब खुदवाए गए थे। रीजन क्या था? वाटर लेवल, पानी का जो लेवल हो उसे मैनेज करके रखा जाए। अगर एक गांव में 5-10 जगह तालाब हो गया तो वहां जगह जगह पानी रुका होगा, तो वहां पे नीचे, अगर ऊपर पानी रुका हुआ है तो नीचे का पानी भागेगा नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, वो पानी रुका रहेगा, उस गांव में सूखा का कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लेते फिर खेती वगैरह कर दिए तो यह से तालाब का पानी ले जाके खेत में, जैसे नदी जल उठा हुआ है वैसे तालाब से पानी को क्या कर सकते हैं, हम दमकल लगा के निकाल के अपनी सिंचाई कर सकते हैं। तालाब मानव निर्मित एक ऐसा स्रोत है जहां पे जल को इकट्ठा किया जाता है, वो भी बरसात के जल को इकट्ठा किया जाता है। देख रहे गांव में जितनी पोखरी वोखरी थी सब कब्जा, जिनके घर के सामने है वो खत्म पोखरी, वरना वहाँ पानी रुकता तो पहले के जो बड़े बुजुर्ग जो करते थे वो बड़ा तर्क वितर्क लगा के करते थे, आज हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, वो अपने स्वार्थ के चक्कर में पर्यावरण से खेल रहा है, समझ रहे हैं। देखते हैं ना जो प्रकृति क्या करती, इसी तरीके से मैनेज करती है। कोरोना कभी आ जाएगा, कब फ्लू आ जाएगा, कब बहुत जबर की सबको है ना बुखार वगैरह वाला रोग आ जाएगा, 1000 रोग आएगा लेके चला जाएगा। प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति हमारे साथ जब खिलवाड़ करेगी तो हम खुद ही खिलवाड़ा हो जाएंगे, समझ रहे हैं। बात समझते हैं आगे। तालाब समझ में आ गया। फसल पैटर्न, हम खेती करना, देखिए कहा जाता है कि पढ़ने लिखने के बाद खेती करेंगे, नहीं, पढ़ लिख के ही तो खेती की जाती है। खेती उन्हें ही आएगी जो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर जो कृषि विभाग होता है उसे मृदा विभाग बोला जाता है। कोई लड़का ऐसा नहीं है जो कृषि विभाग में इंटरेस्टेड हो, हर लड़के को जज बनना है, हमें जेई बनना है, हमें पुलिस बनना है, हमें पायलट बनना है, है ना, हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है। किसी भैया ये सब बनेंगे, ये तो बन जाएंगे, लेकिन खाएंगे क्या? डीएम साहब क्या खाएंगे, क्या खाएंगे बताइए, कोनो एकाध तो गाँव खा जाएंगे नहीं, क्या खाएंगे? डीएम बनने से क्या प्रॉफिट, खाएंगे तो दाल चावल रोटी है डीएम जी, हाँ क्या खाएंगे? अगर आप डीएम बन जाएंगे तो आप क्या खाएंगे? यही सारी चीज़ें खाएंगे। मुकेश अंबानी क्या खाते हैं? फॉर्चूनर ऑडी क्या खाते हैं? वो भी तो दाल चावल, भाई वैरायटी केवल अलग होती है, बनाने का तरीका अलग होता है, बस यही ना चीज़ें होती हैं, वो भी तो चावल वही होता है। हमारे चावल में कार्बोहाइड्रेट है तो उनके में क्या प्रोटीन, हमारी दाल में प्रोटीन है तो उनके में क्या है, सेम चीज़ें खाते हैं, बस सोच का डिपेंड होता है ना, बस केवल वैरायटी अलग अलग होती है। तो फसल पैटर्न, फसल कैसे बोई जाए, हम क्या करते हैं, किसी भूमि पर लगातार खेती करते रहते हैं, आज ये बोया वो बोया वो बोया, लगातार बोते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, कौन सी फसल बोएं और इसके बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए, ताकि हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। हम क्या करते हैं, एक बार ऐसी, देखिए अगर एक बार ऐसी फसल बोए जो गहराई तक जाती है जिसकी जड़, तो दोबारा दूसरी वाली फसल वैसी ना बोएं, दूसरी ऐसे बोएं जो ऊपर रहे, केवल ऊपर फैली रहे, ठीक है, और अगर तीसरी ऐसे बोएं जो बहुत ज़्यादा पानी देती है, तो चौथी ऐसा बोएं कि जो पानी एकदम ही नहीं देती है। उससे क्या होगा, मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। अरे भाई अगर मैं आपको हरदम बार बार कोई काम, आज ज़्यादा होमवर्क दे दूं, कल कम दूं, फिर ज़्यादा दूं, कम दूं, तो इससे आप मेंटेन रहेंगे, रोज़ ज़्यादा दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। रिलैक्स भी तो चाहिए आपको, आराम भी तो चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हमारी मृदा को भी तो आराम चाहिए, उसकी उर्वरा शक्ति तो बनी रहनी चाहिए भाई। लगातार मृदा से केवल आप जितने पदार्थ पोषक तत्व अवशोषित करते रहेंगे तो वो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। अरे भाई जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं वो बंजर के समान हो गई, फिर अगली बार उत्पादन क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं फसल पैटर्न, क्या क्या हमें बोना चाहिए। अगर हम गेहूं बोते हैं, अगर पहली बार हम गेहूं बोते हैं, ठीक है, उसके साथ हम क्या बो सकते हैं, चना बो सकते हैं।
गेहूं के साथ हम क्या बो सकते हैं? सरसों बो सकते हैं। और मूंगफली के साथ हम क्या बो सकते हैं? सूर्यमुखी बो सकते हैं। क्या खासियत है गेहूं? आप देखते हैं इसकी जड़ कैसी होती है, चना देखते हैं थोड़ी सी गहराई में जाता है, गेहूं देखते हैं थोड़ा सा ऊपर रहता है, होता कि नहीं? गेहूं देखते हैं ना फैल जाता है, अरे भाई भर के देखिए उखाड़िए, थोड़ा सा फैली हुई उसकी जड़ होती है, वो ज़्यादा गहराई तक गेहूं नहीं जाता, होता कि नहीं होता? तो वो एक जो चना है वो जमीन के नीचे से पोषक तत्व ले रहा है और जो गेहूं है वो ऊपर से लेगा, तो इससे भूमि जो होगी उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? एक कमीला खींच रहा है भाई ना, एक ज़्यादा पोषक तत्व से कर रहा, दूसरा तो नहीं कर रहा। दूसरे की बात करें, गेहूं सरसों, सरसों देखते कि नहीं नीचे तक जाती कि नहीं गहराई तक जाती है, गेहूं ऊपर तक रहता है। तो ऐसी फसल बोएं, अगर एक ज़्यादा पोषक तत्व ले रही है तो दूसरी कम ले, ऐसा नहीं कि दोनों अगर आप ऐसा ही बो देंगे तो क्या होगा, आप आपकी जो उर्वरा शक्ति, आपका जो खेत है, आपकी जो भूमि है, उसकी उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और बाद में वो भूमि बंजर घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, आगे समझते। अंतरा फसलीकरण का मतलब गांव वगैरह में ज़्यादा, भाई जिनके पास भूमि कम होती है वो क्या करते हैं कि वो एक ही साथ बहुत सारी फसलों को बो देते हैं, अंतरा एक साथ कई फसलें बो देते हैं, है ना भाई, प्रॉफिट लेना हमारे पास, अगर एक एक बीघा जमीन है तो हमें क्या करना, उसमें हमें उसी में सब धनिया लहसुन प्याज है ना, लौकी कुहाड़ा सरपुतिया नेनुआ गाजर मूली सब उसी में बोना है, तो हम मेंटेन करेंगे ना भाई, लेकिन हम मेंटेन करना क्या है, हमें बोना क्या है? अगर सभी को बो देंगे, सभी ऐसे ऐसे ऐसी खेती कर देंगे, सभी फसलें ऐसी हो जाए कि जब जो सभी के सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करें, तो कुछ दिन के बाद वो एक बीघा जो जमीन है वो भी बंजर हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, हम खेती कहाँ करेंगे? हमें कैसे बोना है कि हमें सोयाबीन के साथ मक्का बो दीजिए, बाजरा के साथ लोबी बो दीजिए। लोबी क्या होता है? देखिए बाजरा भी पौधे को हरे चारे के रूप में खिलाया जाता है, लोबिया जिसको गांव में लोभी बोला जाता है, वो लोभी नहीं होता, उसे लोबिया बोला जाता है। ठीक है, जैसे बोरो का पेड़ होता है ठीक फोटोकॉपी होता है वैसे लोबिया, ठीक है, मैं खुद ही बोया हूँ, आप कहिए तो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, लोबिया होता है वो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। एक पेड़ लेके जाएंगे तो आराम से एक जानवर को खिला देंगे, वो इतना ज़्यादा फैल जाता है और पूरा का पूरा हरा रहता है, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती है, मैंने बताया ना जैसे बोरो होता है फोटोकॉपी बोरो का। ठीक है, उसको बाजरे के साथ बोएंगे तो बाजरा मोटा होता है, है ना, थोड़ी सी चौड़ी पत्ती है, इसके साथ ये हरे का काम कर देगा, आराम से एक पोषक तत्व की पूर्ति कर देगा, है ना, एक हरे चारे का पूर्ति कर देगा और ये बाजरा जमीन की गहराई तक जाएगा, ये ऊपर रहता है, होगा कि नहीं? आगे समझ लेते हैं कुछ पॉइंट। फसल चक्र, है ना, फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र का मतलब क्या होता है कि जब हम फसलों को बदल बदल के बोते हैं, जब हम फसलों को बदल बदल के बोते हैं उसे हम किस रूप में जानते हैं? फसल चक्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, मतलब किसी खेत में या किसी भूमि पर फसलों को क्रमानुसार एक के बाद एक आराम आराम से बोया जाए, जैसे कि जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा फसल पैटर्न में कि फसलों को क्रमानुसार अब किसे बोना है, इसके बाद किसे बोना चाहिए, इसके बाद किसे बोना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब फसलों को क्रमानुसार बोया जाता है या जब फसलों का क्रमानुसार उत्पादन किया जाता है तो इस प्रकार के चक्र को हम फसल चक्र के नाम से जानते हैं या इस प्रक्रिया को हम फसल चक्र के नाम से जानते हैं। पॉइंट समझते हैं अगला, फसल चक्र के नियम। फसल चक्र में हमें करना क्या है कि हमें गहरी जड़ वाली के साथ किसको बोना है? अगर हमें क्या करें, अगर हमने अपनी पहली फसल मान लेते हैं हमने गेहूं बोया तो ये क्या है, फैली जड़ वाली है, तो इसके साथ हमें ऐसे को बोना है जो गहरी जड़ वाली हो। मतलब एक साथ, जैसे अभी मान लेते हैं ये गेहूं की कटाई हो गई तो इसके बाद ऐसी फसल ना बोएं जो ऊपर फैली हुई हो, यानी कि अगर हम एक बार गहरी वाली ऐसी फसल बोएं जो गहराई तक जाती है तो उसके साथ कभी भी ऐसी फसल ना बोएं जो गहराई तक जाती है। मतलब अगर गहरी एक गहरी हो गई तो दूसरी क्या हो भाई, फैली हुई। मतलब जो मैंने बताया ना, एक फसल ऐसी हो जो गहराई तक जाती हो जिसकी जड़, तो दूसरी ऐसी हो जिसकी क्या हो, ऊपर हो, जिससे उर्वरा शक्ति क्या रहेगी, बनी रहेगी। समझ रहे हैं? जैसे कपास के साथ आप गेहूं बो सकते हैं और गेहूं के साथ आप गन्ना बो सकते हैं, गन्ना की जड़ गहराई तक जाती है और गेहूं की ऊपर रहती है। समझ रहे हैं ना? देखते हैं ना, जब वो पेड़ी वगैरह जिसको गांव में कहते हैं पेड़ी,
जैसे ही उसे काटते हैं उसके साथ क्या बो देते हैं, गेहूं। वहां देखिए गेहूं कितना जबरदस्त होता है, नहीं भरोसा है नोटिस करके देखिए, जहां से गन्ना कट जाता है वहां पे अगर आप गेहूं बोते हैं तो बहुत जबर गेहूं होता है, क्योंकि गेहूं ऊपर ही रहता है और उस मृदा में उर्वरा शक्ति, वो गन्ना पूरा खींच के रखा पड़ा है, ऊपर पूरा उर्वरा शक्ति है, आराम से बोएंगे, एक नंबर का गेहूं होगा। समझ रहे हैं बात क्यों गिरी? अगला टॉपिक। अब उसके बाद ऐसी फसल जिसको ज्यादा पानी चाहिए, कम पानी वाले के बाद अगर बोना है तो दूसरे को बोइए ज्यादा। भाई अगर एक बार आपने ऐसी फसल को बोया जिसको पानी की कम मात्रा चाहिए तो दूसरी बार क्या होगा, ऐसी फसल बोइए जिसको ज्यादा पानी चाहिए, क्योंकि जो वह पौधा था जिसको कम पानी चाहिए था वो क्या किया, वो कम पानी अवशोषित किया, वो क्या किया, कम पानी अवशोषित किया, इसका मतलब वो पानी कहाँ से लिया, पानी तो उसको भी चाहिए था, वो पानी कहाँ से लिया, जो मृदा के अंदर पानी था उसको अवशोषित किया। लेकिन अब क्या होगा, जब दूसरा भाई मृदा में पानी की मात्रा कम हो गई तो दोबारा ऐसी फसल बो दीजिए जिसको पानी की ज्यादा आवश्यकता हो, क्या हो, ज्यादा आवश्यकता हो। अब ज्यादा आवश्यकता होगी तो वो ज्यादा पानी अवशोषित करेगा तो मृदा में फिर से पानी का मेंटेनेंस बना रहेगा, पानी का संतुलन बना रहेगा। जैसे धान के साथ क्या, धान को बहुत पानी की जरूरत है चना को नाम की, है ना, बरसिंग को ज्यादा पानी की जरूरत है लोबिया को नाम मात्र, समझ रहे ना। तो ये है, आपको सिस्टम से बोना है तब जाके कहीं आप अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। अब दूसरा, वह पौधा जिसे ज्यादा खाद की जरूरत है उसके साथ उसके बाद ऐसे फसल को बोएं जिसे कम खाद की जरूरत है। जैसे धान के साथ क्या बोएं भैया, अगर धान बोया है ना उसके बाद उस वाले खेत में क्या बोइए, चना बोइए। अगर आपने गन्ना बोया है तो उसके बाद दाल वाली बोइए, मसूर वाला, अरहर वगैरह टाइप की बोइए, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्या होता है फसल सुरक्षा प्रबंधन, मतलब फसल को क्या करना, सुरक्षित करना, क्या कहलाता है फसल सुरक्षा। बात करेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन की, कैसे हम फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहले ये समझना, फसल को सुरक्षित रखने का मतलब हमें फसल को क्या करना है, सुरक्षित बचाना है। कैसे बचाएंगे, फसल को नुकसान कौन कौन पहुंचाता है पहले वो समझ जाते हैं। तो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान क्या करता है, खरपतवार, कीट, उसके बाद पीड़क। खरपतवार क्या होता है, जब आप खेती करते हैं उसके साथ ही साथ आप क्या करते हैं, देखते हैं जैसे ही वो बीज अंकुरित होता है तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं उग जाते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, जैसे मोथा, गाजर घास जिसे बोला जाता है, वो ऐसे पौधे हैं जिनकी हमें जरा भी जरूरत नहीं है। और उनकी खासियत समझो, आपका जो फसली पौधा है वो उतने पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाएगा जितना कि कौन अवशोषित करेगा, ये मोथा, गाजर घास, ये लोग क्या करते हैं जमीन के नीचे से जितने भी पोषक तत्व ज्यादा अवशोषित कर लेंगे तो आपका जो फसली पौधा होगा एकदम पतला पतला होगा, मरैला जैसा। क्यों, क्योंकि जितने पोषक तत्व थे उसे तो वो अवशोषित कर लेते हैं। तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, इन्हें उसी समय उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जैसे ही अंकुरित होते हैं उखाड़ के फेंक दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगा मोथा और ना पोषक तत्व की हमारे पौधे की कमी होगी और वो बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। गेहूं में देखते हैं जई वगैरह आ जाती है ना, तो वो क्या करती है पोषक तत्वों को पूरा अवशोषित कर लेती है और गेहूं बेचारा वेट कर रहा है, उसको मिलेगा तब ना, उसको मिल भी नहीं करेगा। दूसरा होता है कीट। अब मान लेते हैं खरपतवार से बच गया, उसके बाद आते हैं कीट। कीट में आप जानते हैं वे जीव जिनमें तीन पंख होते हैं, जिसको कहते हैं ना गेहूं देख लेते हैं, जब गेहूं में वो फूल लग रहे थे तभी क्या किया गया कि वो मक्खियां नहीं कहते मक्खियां चाट रही हैं, होता है ना, तो क्या करते हैं उस पर आप फाइडाल महाकाल वगैरह मारते हैं जिससे बदबू से मक्खियां नहीं आती, लेकिन तब तक वो रस को क्या करती है, चूस जाती हैं। और जब वो बाल में से रस को चूस जाती है तो गेहूं बनेगा ही नहीं नर भाई, उसमें क्या बनता है, उसी के अंदर तो ही बीज बनता है, वो रस को सारा चूस जाती है, उसमें रस रहेगा नहीं तो वो गेहूं बनेगा ही नहीं। और जब गेहूं नहीं बनेगा तो उसको गांव में जैसे धान को कहते हैं पहिया, कहते हैं कि नहीं कहते, पहिया हो गया मतलब एकदम पतला उसमें कुछ नहीं है, वैसे ही वो हो जाता है, वो खराब हो जाता है गेहूं तो कीट से। इसके बाद अब हम बचा उचा के लेके चल जाते हैं घर, कहाँ लेके चल जाते हैं घर, घर ले जाने के बाद भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे चूहा, समझ रहे हैं, नेवला वगैरह, सांप वगैरह, वहां कांड करते हैं वो, समझ रहे हैं, वो क्या करते हैं चूहा खाने लगता है, बोरा काट के अपना रोज भंडारा कर रहा है, आओ खाओ खा के जाओ, कौन सा अपना जुटा के रखा है, समझ रहे हैं। तो वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, पीड़क वाले में आते हैं, समझ रहे हैं। हम कैसे बचा, देखिए अब कीट क्या काम करते हैं, तो कीट तीन तरीके से पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला, या तो वो मूल को मतलब जड़ को काट देंगे तो पौधा सूख जाएगा, तना काट देंगे, या फिर पत्ती को काट देंगे, तो पत्ती काट देंगे, तना काट देंगे, मूल काट देंगे तो पौधा पूरी तरह से क्या हो गया, नष्ट, खत्म, पौधे में है ये का है। अरे भाई जड़ काट देंगे तो नीचे से पानी या खनिज लवण
जल अवशोषित नहीं करेगा, सूख जाएगा, तना काट देंगे, तने को आदत कर देंगे, कुछ पत्तियाँ गायब ऊपर की, पत्ती रहेगी नहीं तो भोजन बनेगा कहाँ, और पत्ती अगर तीसरी चीज पत्तियाँ काट दे, खाली पत्ती काट दे तो पत्ती काट देंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही नहीं और भोजन बनेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, कोशिकी रस। अब मान लेते हैं उसके बाद बन गया, फूल लग गया तो फूल से जितने रस है कुल अवशोषित कर लो, फूल बन के ही क्या करेगा जब उसमें फल ही नहीं लगेगा, फूल से ही तो फल का निर्माण होता है, फूल रहेगा ही नहीं, फूल में कुछ रहेगा ही नहीं तो फल बनेगा ही नहीं, तो हम क्या खाएंगे। अगला टॉपिक, तने में छिद्र कर देते हैं, वो जगह जगह तने में क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, है ना, छेद कर देंगे तो क्या होगा, तना टूट के गिर जाएगा और वो गिर जाएगा तो फसल खत्म, ठीक है। क्या करना है, अनाज का भंडारण, अनाज को फिर क्या करते हैं, हम अनाज का भंडारण करते हैं, अनाज को इकट्ठा करके सुरक्षित करके रखना चाहिए, लेकिन क्या होता है उसे भंडार, अनाज को इकट्ठा करना ही अनाज का भंडारण कहलाता है। अनाज भंडारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नमी, कीट, चूहे, बोरा। बोरा का मतलब क्या है, पहली चीज यहाँ से समझो, जहाँ हम उसे रख रहे हैं वहाँ पे नमी ना हो, नमी अगर रहेगी तो वो अंकुरित हो जाएगा और नीचे से शीतलन पाके वो क्या होगा, सड़ने लगेगा अनाज। देखते हैं ना अनाज को ड्रम वगैरह में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ताकि वो उसके नीचे नमी ना रहे। देखते हैं ना जो ड्रम होता है वो जमीन को छोड़ के रहता है थोड़ा सा, वरना वो जमीन से क्या लेने लगेगा, नमी लेने लगेगा और आपका अनाज जो जिसे आपने रखा है खाने के लिए वो सड़ने लगेगा। दूसरा कीट, ऐसी जगह उसे रखे जहाँ कीट वगैरह ना जाए, वरना कीट उट इतने खतरनाक होते हैं, जैसे मक्खी वगैरह है ना, वो इतने दिन, एक दिन में इतने अंडे दे देंगे कि एक दिन में एक मक्खी है तो अगले शाम को देखेंगे 100 मक्खी, समझ रहे हैं, खा जाएंगी, खराब कर डालेंगी, सड़न पैदा हो जाएगी। चूहा, चूहा क्या काम करते हैं, वो बोरा वोरा को काट के घुस जाते हैं, समझ रहे हैं, वो पूरा खराब कर देते हैं, वो खाने के लायक छोड़ते नहीं। और तीसरा होता है बोरा, जिस बोरे में आप रखते हैं वो पहले मेंटेन कर ले कि वो कैसा है, ऐसा वो नहीं कि बोरा वह सड़ जाए, गेहूं भरे पड़े, गेहूं रखा पड़ा, बोरा सड़ गया, अब बोरा सड़ गया तो हम क्या खाएंगे, समझ रहे हैं, बोरा सड़ गया तो वो गेहूं खराब हो जाएगा और धीरे धीरे चूहे लेके भाग जाएंगे, ठीक है। ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बनिक खेती। तो हमें भविष्य में कैसे खेती की ओर अग्रसर होना, भाई कार्बनिक खेती की तरफ, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। बेस्ट ऑफ लक।